बीजेपी प्रचार वाहन पर अराजक तत्वों का हमला, गोंडा से अतीक राइन की रिपोर्ट। चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश, मुख्यमंत्री के सभा के कुछ घंटे बाद ही चुनावी प्रचार में शामिल बीजेपी प्रचार वाहन पर अराजक तत्वों का हमला। गौरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रभात वर्मा के प्रचार में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। लाठी डंडों से हुए हिंसक हमले में गाड़ी के कांच टूटे। गाड़ी में बिखरा पड़ा रहा भाजपा के लोगों की प्रचार सामग्रियां। हमले में कई बीजेपी समर्थकों को आई चोटें, दो गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद तनाव को बढ़ता देख घटनास्थल पर भारी पुलिस का बल तैनात है। घटना के पीछे प्रधान भोलू सिंह का हाथ, गुर्गे गौतम सिंह, उस्मान व दो अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी के लोग घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छपिया थाने पर हुए जमा। छपिया थाना क्षेत्र के तांबेपुर की घटना, एडिशनल SP शिवराज ने गोली चलने की घटना से किया इनकार। जनपद गोंडा, 22 फरवरी की शाम के समय ये सूचना मिली कि एक पार्टी के प्रचार वाहन पर कुछ मारपीट तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर छपिया पुलिस मौके पर पहुंची, क्षेत्राधिकारी मनकापुर भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया मारपीट और प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की बात स्पष्ट हुई है। एक पक्ष से तहरीर प्राप्त करके उसमें दुर्गेश सिंह आदि के विरुद्ध, जो ग्राम तामेपुर के रहने वाले हैं, और 8-9 अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर की गई जांच से मारपीट और तोड़फोड़ की ही बात स्पष्ट हो रही है। फायरिंग के संबंध में अभी पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। क्षेत्राधिकारी मनकापुर थानाध्यक्ष छपिया के द्वारा गहराई से इस संबंध में जाँच की जा रही है।